बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिंदे की फरियाद। बच्चों के लिए इकबाल की ये नज़्म बरतानिया के शायर विलियम कॉपर की एक नज़्म का आज़ाद उर्दू तर्जुमा है, जिसमें यह बताया गया है कि आज़ादी ख्वाह इंसान के लिए हो या परिंदे के लिए, एक नेमत से कम नहीं है। गुलामी तो एक लानत है। इसी मौजू पर अल्लामा इकबाल ने एक परिंदे के मुकालमे को इन अशआर में पेश किया है। ये परिंदा पिंजरे में महबूस है, यानी बंद है, और जुबान हाल से ये बात कहता है। क्या कहता है, आगे देखते हैं। परिंदा कहता है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो चिड़ियों का चहचहाना, आजादियां कहां वो, अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। इन अशार का लुबे लुबाब इस तरह से है, परिंदा कहता है कि आज मुझे वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है, जब मैं बाग में दूसरे परिंदों के साथ मिलकर चहचहाया करता था। अब वो आजादी कहाँ नसीब है, जब मैं अपनी मर्जी से घोंसले में आया जाया करता था। जिस लम्हे माजी की बातें याद आती हैं तो दिल पर चोट सी लगती है, वो लम्हात भी याद आते हैं जब कलियों पर शबनम गिरती थी और वो खिलकर फूल बन जाया करती थी। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस से, कफस पिंजरे को कहते हैं, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस से, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। अब तो मेरे साथी बुलबुल की ना सूरत नजर आती है और ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। वही तो मेरा हमसफर था, जिसके दम से मेरा घर आबाद था, मैं पिंजरे में बंद हूं, उसकी आवाज तक कानों में नहीं आती। ऐ काश यहां से रिहाई मेरे बस की बात होती, मैं किस कदर बदनसीब परिंदा हूं जो घर के लिए तरस रहा हूं। मेरे तमाम साथी वतन में है और मैं यहां कैद में पड़ा हुआ हूं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। बाग में बहार आई हुई है और कलियां मुस्कुरा रही हैं, जबकि मैं इस तारीख पिंजरे में गिरफ्तार अपने मुकद्दर को रो रहा हूं। इस कैद का दुखड़ा सुनने वाला कोई भी नहीं। मुझे तो अब ये खदशा है कि आजादी के गम में कहीं मैं अपनी जान हाथ से न धो बैठूं। सूरत यह है कि जिस वक्त से अपना वतन और घर छूटा है तो गमों से नढाल हो रहा हो। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजबां हूं कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। मैं जिस लय में फरियाद कर रहा हूं, जिस सुर में फरियाद कर रहा हूं, उसे गाना समझकर सुनने वालों को लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो एक दुखे हुए दिल की फरियाद है। ऐ मुझे कैद करने वाले, खुदारा इस पिंजरे से आजाद कर दे कि मैं एक बेजबान कैदी हूं, तू मुझे छोड़कर दुआएं ले।